जिसको जो चाहिए मंगा लो. फॉर यू थम्स अप. एंड यू कॉफी. वन मिनट. ठीक है. हेलो. हेलो. क्या खा रहे हो? देख नहीं रहा है. फॉर्मेलिटी के तौर पर ही सही. मैं क्या खाऊंगी ये तो पूछ सकते हो ना. अब आ ही गई हूँ तो चाय जरूर लूंगी. अरे उस रफ. I'm sorry. जहाँ देखो मुंह उठा के चली आती हो तो. अरे मैं शांति से बैठकर खा भी नहीं सकता क्या? हेलो. हेलो. दो बीड़ी तो देना. ए हमजा तूने सुना क्या? क्या रे? रामपुर गांव का पन्नालाल देसाई माधव गांव की कौशला को देखकर हंसा. पता है कैसे? फिर क्या हुआ? फिर अचानक उस पन्ना लाल ने एक पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा. ओए, दुकान में आकर फालतू बातें मत कर समझा. लगाऊंगा एक. एक दिन में साला चुगली लगाए बिना रह नहीं सकता. मोहम्मद. हाँ. शाम को 6 बजे माल आने वाला है. हाँ. संभाल कर पूरा माल उतार लेना. समझ गया? चल. अरे हमजा कुछ बात समझ में आई तो चुप बैठ रहे. अच्छी बात है. चलता हूँ. हमजे दाल में कुछ काला तो जरूर है. तू अब तक गया नहीं चुगलखोर? हमेशा फालतू बातें करता रहता है. लगता है मेरे ही हाथों तेरी मौत लिखी है. चलो चल. जा रहा हूँ. चल. जाता है कि नहीं? चल चल. हमजा इधर. आज रात को काम है. आधी रात को नाव लेकर हार्बर चले जाना. गाड़ी में जो है तो वो कौन थे? अरे भाई आधी रात को तुझे माल लेने भेज रहा हूँ. सोच इसके लिए भेज रहा हूँ तुझे. तुम ही तो कहते हो मोहम्मद भाई. ये तो काम तुम करते हो उसकी वसूली भी तुम करते हो. बेटे कार में जो आए थे ना उनके बाप का काम है ये सब. अलेक्जेंडर सेठ का नाम तो सुना होगा ना? वो तीनों उनके बेटे हैं. एक से बढ़कर एक है. बाप तो उनसे भी शाना है. अलेक्जेंडर सेठ. हाँ. वो ये करता है? बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा. इतना बड़ा दबंग है इस गांव का. मगर काम क्या करता है ये हम कुछ ही लोग जानते हैं. यही तो है उन चारों का धंधा. छोड़ो अब दुनिया जो भी करे हमें क्या लेना देना.